You know, there are two parts. One of 70 marks called theory and other is called what? Practical. And it is video number one. Understood? There are so many videos you will get. You will get different videos for different subject, different chapters. है ना? अच्छा से आपको बस पढ़ना है, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते उसी तरह से. और ये 30 marks का. In theory, you have to learn about so many sections. One is called what? Electrostatics. One is called electrostatics. Other is called current electricity. These are the section which you have to study. So there are so many sections. Electrostatics, current electricity, magnetism, electromagnetism. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको पूरा समझ में आएगा, चिंता नहीं करना, बस आपको ध्यान से क्लास अटेंड करना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन यू विल गो फॉर रे ऑप्टिक्स एंड देन वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड देन मॉडर्न फिजिक्स. सो दीज आर द सेक्शंस. इतना सेक्शन पढ़ना 70 मार्क्स का क्वेश्चन को डिवाइड किया होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स. सो दीज आर द सेवरल चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी. दीज आर द सेवरल सेक्शन सॉरी एंड यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ देम. अंडरस्टूड? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स. 70 मार्क्स क्वेश्चन को आपको इस तरह से बांटा गया है. देन वील स्टार्ट विथ फर्स्ट सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सेक्शन वन, देर इज फर्स्ट सेक्शन कोल्ड सेक्शन वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. फर्स्ट इज कोल्ड, देर आर सेवरल चैप्टर्स. Out of 70, almost 10 marks question. Almost 10 marks question are from electrostatics. Section 1. Then, first chapter is called electric field. घबराइएगा नहीं, एकदम अच्छा से पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा. Electric field. Then we'll start with chapter called Gauss's theorem. Third one is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फोर्थ वन इज कोल्ड कैपेसिटर्स. एकदम बेसिक से आपको समझाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, रिकॉर्डिंग भी होगा, कहीं डाउट हो तो बाद में पूछ भी सकते हैं, आप माइक ऑन करके भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं. सो इन फिजिक्स क्लास देर आर टू पार्ट, वन इज कोल्ड थ्योरी पार्ट एंड अदर इज कोल्ड प्रैक्टिकल पार्ट. द थ्योरी ऑफ 70 मार्क्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स. वॉट एवर यू द बुक्स यू कैन यूज. बोर्ड को एकदम अच्छा से आप मेरे को पढ़ना है, बस ये सोच के आपको मार्क्स अच्छा लाना है बोर्ड्स में. नाउ सेक्शन वन कंटेन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस थियोरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स. इन सब बात को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधे टॉपिक में, बिकॉज हम लोग पीछे भी चल रहे हैं, है ना. इन जितने बात हम लिखे आप उनको नोट कर लीजिए. सो देर आर फोर चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स. सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव टू स्टडी अबाउट चार्जेज एंड द फर्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत अच्छा से बताएंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं. यू कैन इजीली गेट 70 मार्क्स आउट ऑफ 70 इन बोर्ड एग्जामिनेशन इफ यू स्टडी वेल, है ना. आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जाम सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना. बोर्ड में ही आपको एकदम बढ़िया समझना है, हर टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसकी गारंटी है. बस आपको अच्छा से पढ़ना है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हार्ड, है ना. हाउ टू स्टडी द क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, सॉरी, है ना. सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इस बात को भी नोट कर लीजिए. अंडरस्टूड? सो वी स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड. You
यू कैन फील फिजिक्स ना, आप मेरे यहाँ पढ़ेंगे देखिए फिजिक्स को आप फील कर पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे ना, इमेजिन करना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में हो क्या रहा है ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक भी टॉपिक आपको रटना नहीं पड़ेगा, यू कैन ईजिली कैलकुलेट योर सेल्फ, अपने से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने से इमेजिन कर सकते हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो लुक हियर, द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फर्स्ट चैप्टर इज टॉपिक इज चार्ज। इन द फोर चैप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डू यू नो देयर आर फोर चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लास्ट वन विच व्हाट, कैपेसिटर्स। सो इन दिस फोर चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी अबाउट ओनली वन टॉपिक कॉल्ड चार्ज। सो व्हाट इज चार्जेज, है ना। फर्स्ट हम लोग ये चैप्टर में समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, एंड सो मेनी टॉपिक्स आर देयर। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट चार्ज क्या होता है। चार्ज, सपोज देर आर टू बॉडीज, लुक हियर, देर आर टू बॉडीज ए एंड बी, देर आर टू बॉडीज, वी हैव टू बॉडीज, और दोनों को क्या करते हैं हम लोग, रब करते हैं। चार्ज कैन बी डन बाय थ्री वेज, वन इज कॉल्ड रबिंग, कॉल्ड फ्रिक्शन, अदर इज कॉल्ड पोलराइजेशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड इंडक्शन। सो वी हैव टू यूज द टॉपिक कॉल्ड फ्रिक्शन। दो बॉडी को रगड़िए, ऐसे रगड़िए, यू हैव टू रब द टू बॉडीज, दो बॉडी को रगड़िए, कोई भी दो बॉडी को ऐसे रगड़िए, देन वॉट हैपेंस, द इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट बॉडी विल गो टुवर्ड्स अदर बॉडी, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वॉट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स विच कैन पास फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, द इलेक्ट्रॉन्स विच विल पास फ्रॉम आफ्टर रबिंग, रब है ना, रब करने से क्या होता है, एक्सेस एनर्जी मिलता है, द बॉडी बिकम्स हीट, बॉडी को हीट मिलता है, उससे इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड मिलता है, इससे क्या होता है, एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन, सच इलेक्ट्रॉन्स विच कैन पास फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर सिंपली कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द बॉडी बिकम्स सेड, बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, बॉडी क्या बोलेंगे, चार्ज हो गया, बॉडी चार्ज हो गया, दिस बॉडी बिकम्स व्हाट, चार्ज, द बॉडी बिकम्स चार्ज, ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, द इलेक्ट्रॉन, दो बॉडी को रगड़ने से एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉडी में चल जाता है, एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉडी में चला जाता है, ए से बी में चला गया इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पास कर जाता है वन बॉडी टू अदर बॉडी। अंडरस्टूड? द बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, द बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, बॉडी क्या हो गया बोलेंगे, चार्ज हो गया, जो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी को छोड़ के दूसरा बॉडी में चला गया इज सिंपली सेड टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इस बॉडी से क्या हो गया, फ्री हो गया, एंड विल गो टुवर्ड्स अदर बॉडी कॉल्ड बी बॉडी, द बॉडी इज सेड टू बी चार्ज बॉडी, वन ऑफ द बॉडी विल लूज इलेक्ट्रॉन व्हाइल अदर बॉडी विल व्हाट, गेन इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द बॉडी विल लूज इलेक्ट्रॉन, अदर बॉडी will gain electron. Understood? The body is said to be charged. The body which lose electron is said to be positively charged. Positively charged. The body which gain electron is said to be negatively charged. So this is said to be negative charge. This is said to be positive charge. So we have to study about charge in the four chapters called electric field, electric potential, Gauss's theorem and its application. And then we'll study about capacitors. In these four chapters, we have to study about charge. And charge can be done by three ways. The charge can be done by three ways. One is called फ्रिक्शन, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन, बॉडी को रगड़ के एक दूसरे को रब करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा बॉडी में चला जाता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा बॉडी में चला जाता है, इट इज सिंपली कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जो लूज करेगा, ए लूज इलेक्ट्रॉन सो इट इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज, बी गेन इलेक्ट्रॉन इट इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज। Understood?
This is done by friction. Further on, after third chapter, we'll study about charge can be done by polarization and one is called induction. तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. सो फ्रिक्शन से चार्ज कैसे करते हैं? जस्ट कुछ नहीं करना है, बॉडी को रगड़ना है. एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉडी में चला जाएगा. द इलेक्ट्रॉन जो चला जाता है इज सिंपली कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज सिंपली कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अंडरस्टूड गाइज? समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? स्टूडेंट्स वरी नहीं करना है, दम ध्यान से देखना है. द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. द बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. द अदर बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज बॉडी. इज इट क्लियर? द बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज बॉडी विच इज gain electron, which has gain electron. With the body which lose electron is said to be positively charged body. And charge can be represented by इसका symbol क्या है? Plus Q, minus Q, जो भी होगा Q से denote किया था. Q stands for charge. Understood? So in this way you learn about charge. Charge कैसे करते हैं? With the help of friction. इतना बात को सब कोई notes कर लीजिए. Video को pause करके भी note कर सकते हैं, लेकिन आप direct note करिए. तो चार्ज क्या होता है पता चल गया. लुक हियर, हाउ टू मेजर द चार्ज. लुक हियर, हाउ टू मेजरमेंट ऑफ चार्ज. कोई बॉडी चार्ज हो गया तो मेजरमेंट कैसे करते? मेजरमेंट ऑफ चार्ज, और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. चार्ज हो गया तो चार्ज कैसे हुआ, है ना? चार्ज कितना हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मेजरमेंट ऑफ चार्ज, यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. चार्ज कितना हो गया? सपोज देखिए, दो बॉडी को रगड़ दिए, इलेक्ट्रॉन चला गया, ए से बी में इलेक्ट्रॉन चला गया. चार्ज कितना हुआ वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन. जैसे बोलेंगे ना किसी का प्राइस कितना, बोलना पड़ता है 20 रुपीज 50 रुपीज. सपोज द पेन कॉस्ट 50 रुपीज, तो वैसे चार्ज कितना हुआ, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, है ना? चार्ज हुआ कितना? ये बॉडी लूज किया, ये बॉडी गेन किया. दिस बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज. चार्ज कितना हुआ डिपेंड अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है. चार्ज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जिसे बोलेंगे दो बॉडी को रगड़ दिए, दो बॉडी को रगड़ दिए, और मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन पास कर गया फ्रॉम ए टू बी. द 5 इलेक्ट्रॉन पास्ड फ्रॉम ए टू बी. सपोज द 5 इलेक्ट्रॉन पास कर गया फ्रॉम ए टू बी. Is it clear? 5 इलेक्ट्रॉन पास कर गया फ्रॉम ए टू बी. सो द चार्ज डिपेंड्स अपॉन 5. ये चार्ज हो गया, चार्ज हो गया. कितना चार्ज हो गया? तो चार्ज इज गिवन बाय एन ई. लुक हियर, फर्स्ट फार्मूला ऑफ फिजिक्स इन क्लास 12. चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एन को बोलते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई इज कॉल्ड, लुक हियर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ई इज कॉल्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ई इज फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ ई इज फिक्स्ड. ई स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. वन ऑफ द चार्ज, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. सी इज द कूलम, ना सी इज द कूलम. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. चार्ज का यूनिट कूलम होता है. ध्यान सुनिए, चार्ज डिपेंड करता है किस पर? इलेक्ट्रॉन का संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स, उसका संख्या पे डिपेंड करता है कोई बॉडी में चार्ज कितना होगा. सपोज ए और बी को रगड़ दिए, ए से बी में इलेक्ट्रॉन चला गया, ए लॉस किया है और बी क्या किया है? गेन किया है. ए लॉस किया है और बी क्या किया? गेन. सो व्हाट इज द चार्ज ऑफ ए? 5e. व्हाट इज द चार्ज ऑफ बी? -5e. प्लस क्या स्टेंट कर रहा है कि ये लूज किया है. 5 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ई इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. द वैल्यू ऑफ चार्ज इज गिवन बाय, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज गिवन बाय Q of A. A का चार्ज क्या होगा? 5 × E. और E को कैसे रिप्लेस करते हैं? The value of E is fixed.
E stands for charge of one electron. One electron ka charge dam nischit hai, jaise bolte hain one darjan 12 piece. One darjan 12 piece. Similarly, E stands for the charge of one electron. And one electron has a charge 1.6 10 to power minus 19 coulomb. Coulomb is the unit of charge. And if you multiply it, it becomes 8 into 10 to power minus 19 coulomb. So in this way, if you know the value of electrons, number of electrons, you can easily calculate the charge. What is the charge of B? What is the charge of B? Charge of B is given by 5e, but with what? Negative sign. कुछ नहीं भी लिखा हुआ तो प्लस ही होता. डू यू नो ये लॉस किया है, ये गेन किया है. सो द चार्ज ऑफ बी विल बी माइनस ऑफ 5e, एंड 5e इज गिवन बाय 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम. यू विल गेट माइनस 8 इंटू माइनस क्या दिखा रहा है एंड सी क्या है कूलम. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज नथिंग बट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स विच कैन पास फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी इज सिंपली कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इज इट क्लियर? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स is given by Ne, where N is the number of electron and E is the charge of one electron. So look here. Suppose one more example. Look here. One more example. How to calculate the charge? Suppose A and B are two body. आप ही बनाइएगा. A से B में electron चला गया. Suppose 8 इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम A टू B. What is the charge of A and what is the charge of B? What is the charge of A and what is the charge of B? The charge of A is given by, charge of A is given by 8E. Why 8E? It is loosed, so it will become plus. It has gain, that's why it is called negative charge. What is the charge of A? 8 into E. Why 8? Because A has lost the number of electrons, 8. While the same time, the B body B has gained the electrons, 8. So in this way, the charge of A is 8E and the charge of B is minus 8E. And do you know how to replace E? 8 into 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. 8 into 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, while charge of B will be minus of, देखो बेटा दिख रहा है यहां से, 1.6 10 to power minus 19 coulomb. Charge of B is given by minus of 8 into 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. Understood? A का charge, B का charge, दोनों का charge कितना है देख लीजिए. दोनों का charge, एक का plus होगा, एक का minus होगा. The charge depends upon number of free electron. Is that clear, student? समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत घबराइएगा नहीं. We have to study about charge. एक-एक topic समझ में आएगा. 100% I will make you able to solve the question during examinations. Is it clear? So note it down. सबको note करिए. अभी एक दो question और पूछेंगे. एकदम नहीं घबराइएगा. एकदम समझ में आएगा. धीरे-धीरे एकदम clear होते जाएगा. Note कीजिए. A now solve this question. A and B are two bodies. Suppose 15 इलेक्ट्रॉन पास कर गया फ्रॉम B टू A. राइट द चार्ज ऑफ A. कैसे? रगड़ दिया ना बॉडी को, रगड़ दिए. रगड़ने से एनर्जी मिला, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चला गया. द इलेक्ट्रॉन्स आर सिंपली कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. एंड चार्ज ऑफ A लिख के दिखाइए. चार्ज ऑफ B कौन लॉस कौन गेन? जल्दी से बनाइए. वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं आप. ट्राई इट. नोट करें सबको, ही समझ में आ रहा अच्छा से? और जब जैसे हम लोग क्लास में नोट करते हैं ना, उसे आपको नोट कर लेना है ड्यूरिंग लाइव क्लासेस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चाची को दिन चाची कर देगी. डिस्चार्ज हो गया. नोट करें सबको, ही नोट कर लीजिए. देखा
क्लास चल रहा है? नहीं, बात कर देंगे, क्लास पर ही ऑन नहीं हो जाएगा। क्या नहीं ऑन हो रहा है? चलिए, ये तो थे चार्ज के बारे में। लिख लिया सब कोई? अब इधर देखिए, आगे बढ़ रहे हम लोग। हार्दिक लाइट ऑन कर दो बेटा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आइए, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब, सी कूलम्ब। तो वन कूलम्ब चार्ज, हमको वन कूलम्ब चार्ज, वन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं, वन कूलम्ब चार्ज के लिए क्या चाहिए? कोई पूछेगा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर वन कूलम्ब चार्ज? वन कूलम्ब चार्ज किससे बनेगा? यू हैव सेवरल ऑप्शन एंड ओनली वन आंसर, वन। इट इज सिंपली फॉर्म्ड बाय व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स मेक्स वन कूलम्ब चार्ज? वन कूलम्ब चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन से बनेगा? मतलब एक कूलम्ब, जिसे बोलते हैं ना एक दर्जन, वन डजन कंटेन्स 12 पीसेस, वन डजन कंटेन्स 12 पीसेस। सिमिलरली वन कूलम्ब चार्ज है कोई बॉडी का, कोई बॉडी का चार्ज को अगर हम बोलते हैं वन कूलम्ब है, तो ये किससे बना होगा? नंबर ऑफ किससे बना होगा? इलेक्ट्रॉन से। तो कितना इलेक्ट्रॉन आने से या जाने से द बॉडी इज सेड टू बी वन कूलम्ब चार्ज? इट इज द नेक्स्ट टॉपिक। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? द चार्ज का यूनिट क्या था? कूलम्ब। एंड वन कूलम्ब चार्ज को कैसे डिफाइन किया गया है? सो लुक हियर, हाउ टू से वन कूलम्ब चार्ज। सपोज चार्ज, वी हैव चार्ज वन कूलम्ब एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? वी डोंट नो, वी डोंट नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक वन कूलम्ब चार्ज। सो वी हैव टू गो, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। हमको क्यू पता है, एन नहीं पता है। सो एन इज गिवन बाई क्यू, आज ही पढ़े सब कुछ। Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज गिवन बाई क्यू बाई ई। क्यू का वैल्यू क्या है? वन कूलम्ब। और ई का वैल्यू निश्चित है, कितना बार आप लिख चुके हैं? 1.6 × 10⁻¹। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और वन कूलम्ब चार्ज, चार्ज का वैल्यू क्या ले लिया हम किसी बॉडी का? वन कूलम्ब। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सोल्व करेंगे, नहीं इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? तो n इज इक्वल टू सी सी कट जाएगा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 1 × 10⁻¹⁹ ऊपर जाके प्लस, और नीचे में क्या है? 1.6। 1 × 10⁻¹⁹ बाई 1.6, अंडरस्टूड? तो चार्ज का वैल्यू कितना होगा? 1 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 19 को 10 × 10⁻¹⁸ लिख सकते हैं हम लोग, 1.6। 1.6 नीचे में 10⁻¹⁹ डिनोमेटर से न्यूमिरेटर में जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनटू वाला माइनस वाला प्लस हो गया। 10 एक 10 ले लिए, इस 1 को क्या कर दिए? 10 कर दिए। 1.6 से डिवाइड करेंगे 10 को, देन यू विल गेट 6.25। किसको डिवाइड कर दिए? 10 को 1.6 से। 10 को अगर 1.6 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 6.25 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। सच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी लार्ज नंबर, सच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट फॉर वन कूलम्ब चार्ज। वन कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? मेरे पास 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनिए, फिर देखिए, एक कूलम्ब चार्ज को कैसे डिफाइन किया गया है? वन कूलम्ब चार्ज को डिफाइन किया गया है, सो लुक हियर, Q इज इक्वल टू वन कूलम्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा एक कूलम्ब चार्ज के लिए? तो वन कूलम्ब चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी फाउंड, कितना इलेक्ट्रॉन बनाएगा वन कूलम्ब चार्ज? वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर विल मेक वन कूलम्ब चार्ज। सो Q इज इक्वल टू एन ई, आज ही पढ़े, एन का वैल्यू क्यू बाई ई, Q का वैल्यू 1 कूलम्ब है और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ है। 1 इससे ले लिए, 19 ऊपर चला गया, 18 बन गया, 10/1.6 ऑलमोस्ट 6.25 × 10⁻¹⁸। मीन्स क्या? 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। वन कूलम चार्ज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब इज गिवन फॉर वन इलेक्ट्रॉन। वन कूलम चार्ज के लिए 6.25 × 10⁻¹⁹
18 इलेक्ट्रॉन. सपोज कोई बॉडी बोला, ध्यान सुनिए, मेरा चार्ज 5e है. e ये भी चार्ज को डिनोट कर रहा है, देखिए. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स. देन चार्ज विल बिकम, ये लॉस किया है, प्लस लिखा हुआ है, लॉस किया है कितना, ओनली 5. लेकिन कोई बोला मेरा चार्ज 5c है, c बोल रहा है, c, लुक हियर, c एंड इट इज e, इट इज c, टेल मी देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. ये दिस बॉडी सेड द चार्ज ऑफ ए इज 5c, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 नहीं होगा, C लिखा हुआ है. 1 कूलम चार्ज इंटू क्या होगा, 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. सच इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है 5 कूलम. जैसे एग्जांपल देखिए, कोई बोला मेरे पास 2 पीस पेंसिल है और कोई बोला मेरे पास 2 दर्जन पेंसिल है. यहां पे n का वैल्यू ओनली क्या है, 2 है. आई हैव 2 पीस पेंसिल्स, देन आई विल से आई हैव ओनली 2 पेन्स pencils, while the other body said, other student said, I have 2 dozen pencil. It has 2 into क्या करना पड़ेगा dozen को हटाने के लिए, 12 से multiply. Similarly, electron का charge, electron is given by 5e. Charge of A is given by 5c. C stands for coulomb. The चार्ज इज 5 कूलम्स, द इलेक्ट्रॉन विल बी 5 × 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन. इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा, अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ रहा अच्छा से. कितना, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 1 कूलम्ब चार्ज. वन मोर एग्जांपल, लुक हियर, सपोज आई हैव सेड आई हैव चार्ज ऑफ -2e. ए बॉडी सेड आई हैव ए चार्ज ऑफ -2e. मेरा 2e के रूप में लिखा हुआ है चार्ज. सो ये क्या किया है, लॉस और गेन, गेन किया है. कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ओनली व्हाट, 2. माइनस, n का वैल्यू प्लस में ही लिखा जाता है, माइनस बता रहा है कि चार्ज क्या है, नेगेटिव. सो चार्ज नेगेटिव मतलब ये गेन किया है, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स. अंडरस्टूड, e का मल्टीपल इज सिंपली व्हाट, n. सपोज अदर बॉडी से आई हैव ए चार्ज ऑफ -2c. -2c ये डिफरेंट है, -2c इज डिफरेंट. सो व्हाट टू से, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट 2. ये गेन किया है, कैसे पता चला, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द बॉडी हैज गेन द इलेक्ट्रॉन. 2c, c का वैल्यू कितना होता है, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स. इतना ज्यादा, अंडरस्टूड. सो 1 कूलम चार्ज कंसिस्ट ऑफ 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स. इतना इलेक्ट्रॉन रहने से 1 कूलम चार्ज बनता है. कोई बोला मेरा चार्ज 2e है, तो n इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू से 2, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी लेस. व्हाइल द अदर बॉडी सेड आई हैव ए चार्ज ऑफ -2c, सी बोल रहा है, तो गेन किया है. और कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इट इज सिंपली गेन्ड 6 × 6.25. इफ यू मल्टीप्लाई देन 12.50 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स. इतना ज्यादा. अभी एक दो एग्जांपल और दिखाएंगे, सबको नोट करिए, एकदम अच्छा समझ में आएगा, डोंट वरी, धीरे समझ में आएगा. यू आर नॉट यूज्ड टू हाउ टू वॉच ऑनलाइन क्लासेस, धीरे आपको समझ में आएगा, यूज टू हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, नोट कीजिए. सपोज आई हैव ए चार्ज ऑफ 3e. पहले बताइएगा लॉस किया है कि गेन किया है, और कितना लॉस किया है, गेन किया है, यू हैव टू से. ए बॉडी है चार्ज ऑफ -6e. ए बॉडी ऑफ चार्ज ऑफ -+6c. सी कहीं पर लिख रहे हैं, कहीं पर ई लिख रहे हैं, आपको एन भी लिखना है, लॉस किया कि गेन. द अदर बॉडी बी है चार्ज ऑफ -4e. वन मोर क्वेश्चन, चार्ज ऑफ बी इज -2c, टेल मी द आंसर. बोलिए, कहीं पर लॉस कहीं पर गेन, आप इसमें लॉस किया कि गेन किया है, और लॉस और गेन किया तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किया है, यू हैव टू
से. सबको ट्राई कर रहे हैं सब कोई? टेल मी इन फर्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट क्वेश्चन टेल मी बॉडी क्या किया, लॉस की गेन. फर्स्ट क्वेश्चन द बॉडी लॉस्ट और गेन क्या किया है. ए चार्ज, ए का चार्ज 3e है, लॉस किया है या गेन? टेल मी प्लस है कि माइनस है? कुछ नहीं सर, प्लस है. लॉस कितना? ओनली 3. सबको ठीक लिखे हैं? ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, गुड. वहां चालू होना उसमें. गेन किया है कि लॉस किया है? गेन कितना? ओनली 6. ई के ना, इसी को एन ई बोलते हैं. चार्ज इज गिवन बाय सी के टर्म में लिखा हुआ है, सी के टर्म. तो ये प्लस होगा तो लॉस, और कितना? 6 × 6.25, 10 का पावर. इतना ज्यादा कूलम, बहुत ज्यादा होता है कूलम के रूप में अगर चार्ज लिखा हुआ. देन यू हैव टू से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स. टेल मी इन सेकेंड, लॉस और गेन? इट हैज गेन द इलेक्ट्रॉन. सर आपको कैसे पता चला? देन आई विल से द ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन आई विल से द बॉडी हैज गेन द इलेक्ट्रॉन्स. एंड हाउ मच? ओनली व्हाट? 4. ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स. ई लिखा हुआ है, ई के बगल में क्या है? एन. बोलिए लॉस की गेन, अगेन गेन कितना? 2. नहीं, सी लिखा हुआ है ना, सी. सी है तो क्या लिखेंगे हम लोग? इन दिस वे 6.25 यू हैव टू कीप 10⁻¹⁸. बहुत ज्यादा है. ई के टर्म में बहुत कम इलेक्ट्रॉन, सी के टर्म में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन. सो इन दिस वे सी के टर्म में भी क्वेश्चन को आंसर लिख सकते हैं हम लोग, और ई के रूप में भी आंसर लिखा होता है. तो चार्ज कैन बी रिप्रेजेंट इन बोथ द वेज. इन दिस वे यू लर्न वेरी इजीली हाउ व्हाट इज द चार्ज एंड हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज. ई क्या होता है, सी क्या होता है, अंडरस्टूड? एक और लिख के दिखा दीजिए. आई हैव ए चार्ज ऑफ 1e एंड आई हैव ए चार्ज ऑफ 1c. चलिए 1e 1c शो करिए. 1e 1c 1e 1c सबको समझ में आ रहा अच्छा से? अंडरस्टूड? चलिए मिला लिए. तो ए का चार्ज लॉस किया है ओनली 1, बी का चार्ज लॉस किया है लेकिन 1 नहीं, 1 × 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन. सो इन दिस वे यू लर्न इन वेरी फर्स्ट क्लास. इट इज द वीडियो नंबर 1, है ना. अपना कॉपी में जब भी लिख रहे हैं वीडियो नंबर 1 लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग चार्ज लिख के सबको नोट्स. शाम तक हमको दिखाइए मेरे व्हाट्सएप मैसेज में, ग्रुप में आप जरूर मैसेज किए सर हम लोग क्या पढ़े. अगर आपको 20% समझ में आया है घबराइएगा नहीं, इट इज वेरी फर्स्ट क्लास. आफ्टर 10 क्लासेस यू विल लर्न एवरीथिंग, एकदम ईजिली समझ में आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? तो आज इतना ही बताते हैं, बताएंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में. तो रूटीन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, कल केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए.